नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आपसे बचे होंगे और ठंड को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स के उन दिनों में आप कैसे अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और जो चीजें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ उन्हीं चीजों को आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी फायदा मिल सके उन चीजों का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आज मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप अपने पीरियड्स को भी इंजॉय करेंगे और पीरियड्स में आपको ज्यादा पेन भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन से हैं। पीरियड्स का नाम सुनते ही हर महिला को टेंशन होने लगती है, हर लड़की को टेंशन होने लगती है कि कैसे उन दिनों में हम उस दर्द से छुटकारा पाएंगे। पीरियड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी टेंशन जरूर होती है और पीरियड्स में आप जितना मेरे इन टिप्स को फॉलो करेंगे उतना आपको दर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों, पीरियड्स का होना बहुत ही गर्व की बात होती है क्योंकि पीरियड्स होना हर महिला को मां बनने का सुख देता है। इसलिए पीरियड्स के लिए कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि पीरियड्स हो गए हैं तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने इस पीरियड्स की दर्द से छुटकारा पाइएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मैं आज कौन से टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो टिप मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है उन दिनों में तो आप गर्म पानी की वाटर बॉटल से भी अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपने उन दिनों में। तो आप अपनी कोई भी गर्म पानी की बॉटल ले लीजिए और उससे आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं। सेकेंड जो मेरी टिप है वो ये है दोस्तों कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अदरक के छोटे छोटे पीस कर लीजिए और एक कप गर्म पानी में उन टुकड़ों को डालकर उबाल लीजिए और उसके बाद उसे छान लीजिए। और जब वो थोड़ा सा नवाया रह जाए, यानी कि हल्का गुनगुना रह जाए, उसके बाद आप उसे छान कर पी लीजिए। और आपने बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना है, हल्का गर्म ही पीना है आपने इसे। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, लेकिन हल्का, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए पीने लायक, जैसे कि आप चाय लेते हैं बस उस टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसे पी लीजिए। इससे भी आपके दर्द में तुरंत आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, जो मेरी अगली टिप है वो ये है कि आप अपने दर्द में अजवाइन भी खा सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए एक दो चुटकी और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लीजिए, यानी कि काला नमक। और काले नमक के साथ आप इसमें अजवाइन को मिक्स कर खा लीजिए और गर्म पानी के साथ इसे ले लीजिए। इसके बाद आपको दर्द में तुरंत ही आराम मिलेगा। आप चाहें तो, अगर आपके पास काला नमक नहीं है, तो आप व्हाइट सोल्ट जो कि हम सब्जी वगैरह में डालते हैं वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी टिप है दोस्तों वो है एक ऐसी चीज जो कि हम अपने पर्स में हर जगह कैरी कर सकते हैं और जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जी हाँ, मैं चॉकलेट की बात कर रही हूँ। अगर आपको पीरियड्स में पेन होता है तो आप चॉकलेट भी खा सकते हैं और चॉकलेट आप कोई भी फ्लेवर की, जो भी आपको पसंद हो वो आप खा सकते हो, अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में जा रही हैं, बाहर कहीं जा रही हैं, स्कूल जाती हैं, तब भी आप इसे पर्स में कैरी कर सकती हो और आप इस चॉकलेट को एंजॉय कर सकती हो। इससे भी आपके पेट दर्द में आपको आराम मिलेगा। और नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे पेन, तो आप इस टैबलेट का भी सेवन कर सकते हो। इस टैबलेट का नाम है मेफ्टल्स पास। ये पेट दर्द के लिए ही आती है गोली और बहुत जल्दी आपके पेट दर्द में आराम भी पहुंचाती है। तो आप इस टैबलेट को भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने इस टैबलेट को खाली पेट नहीं लेना है, खाने के बाद ही लेना है। और अगर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा पेन हो रही है या बहुत ज्यादा पेन होती है पीरियड्स में, तो आप एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर कीजिएगा। एंड में मैं आपको यहाँ पर कुछ हेल्दी टिप्स भी देना चाहूंगी दोस्तों। अब जितना हो सके पानी खूब पीजिएगा क्योंकि पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और जितना हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी, उतना हमें भी अच्छा फील होगा। और जितना भी हो सके पीरियड्स में चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पीना भी चाहती है तो आप ग्रीन टी ले सकती है, और या फिर दिन में अगर चाय आपको पसंद है तो आप एक कप ले लीजिए, इससे ज्यादा ना पीजिएगा क्योंकि चाय और कॉफी नुकसान करती है और इनकी तासीर भी गर्म होती है। तो इसलिए चाय और कॉफी को बहुत ज्यादा मत पीजिएगा। और ग्रीन टी ले सकती हैं आप, ग्रीन टी से भी आपके जो कॉन्स्टिपेशन हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और पीरियड्स में भी दोस्तों हमें वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और गाजर का जूस भी आप पी सकते हो। गाजर का जूस भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे भी आपका दर्द में आपको आराम मिलेगा और ब्लड के फ्लो को भी ये ठीक करता है। और पीरियड्स में आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलिए। पीरियड्स में भी हमें अपनी बॉडी की अच्छे से सफाई करनी चाहिए और अच्छे से सफाई रखनी चाहिए अपने पूरे शरीर की। तो दोस्तों यही थे मेरे आज के कुछ हेल्पफुल टिप्स। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहे हों।
और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, आपने पूछा था कि मैंने अंडर आर्म्स के टॉपिक पर वीडियो बनाई है या नहीं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं इस पर काफी सारी, तो आप प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY और फेशियल किट के रिव्यू और DIY फेशियल प्रोडक्ट्स रिव्यू बहुत सारे शेयर किए हैं यार, प्लीज वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।